राघव जल्दी से, सारी उंगलियां तो आपके ऊपर ही उठ रही हैं राघव चड्ढा, वो कह रहे हैं टैंकर का अब केंद्र सरकार अगर आपको दरवाजे पर लाकर रख दे तो फिर दिल्ली में सरकार का क्या मतलब हो जाता है। जल्दी से अपनी बात रखिए, सुप्रिया आती हूं मैं, राजीव रंजन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जल्दी से राघव चड्ढा। अगर यही होता है जब एक डॉक्टर वकील और वकालत को समझने का प्रयास करें, मैं चाहूंगा किसी ढंग के वकील को आप बुलाएं, डॉक्टर ने नहीं ये कोर्ट ने पढ़ा है, कोर्ट ने लिखा है, लाइव लॉ में ये अवेलेबल है, आप भी पढ़ सकते हैं, कोई भी ट्विटर में या फेसबुक में जाके इस ऑब्जर्वेशन को देख सकता है, कोई भी देख सकता है इस ऑब्जर्वेशन को। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जनता से कि आप लाइव लॉ या बार एंड बेंच में ट्विटर में जाकर आप ये हैंडल्स में देखिए और इन हैंडल्स के माध्यम से जो भी कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है उसको पढ़िए, उसको पूरा पढ़िए। उसमें कहा गया है कि दिल्ली सरकार अपनी टैंकर क्यों नहीं भेज रही है, नोडल ऑफिसर क्यों नदारद है, ये खुद कोर्ट ने कहा, ये खुद कोर्ट ने कहा और ये कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में आपके सामने रख रहा हूँ, अपने मन से मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। चलो, अक्सर जब इन लोगों की जिम्मेदारी से ये लोग भागते हैं तो चिल्लाते हैं, वही चिल्ला रहे हैं, अपनी संस्कृति का परिचय दे रहे हैं, कोई बात नहीं। आप चिल्ला रहे थे थोड़ी देर पहले मेरे बीच में, आप अपने जिम्मेदारी से भाग रहे थे। दिल्ली हाईकोर्ट अपने ऑर्डर के जरिए बात करता है, ऑर्डर में दिल्ली हाईकोर्ट ने ये रिकॉर्ड किया जो जज साइन करके जारी करता है कि मैं तो लेके आया हूँ कोर्ट के, अभी जो संबित जी तो आप एडवर्टाइजमेंट क्यों करते हैं, सब कुछ प्रधानमंत्री करेंगे तो ये हर दो सेकंड में हर टेलीविजन चैनल में। लेकिन राघव चड्ढा कम से कम संबित पात्रा, आपने लॉकडाउन का जो फैसला किया है उसमें तो साथ खड़े नजर आ रहे हैं, तो इसी तरह कुछ ऐसे फैसले हों जिसमें आप दोनों साथ साथ खड़े नजर आए, क्योंकि एक एक जिंदगी का सवाल है। सर, वक्त की कमी है, राजीव रंजन जी बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अब हम ब्रेक पर चले जाएंगे, उसके पहले राजीव रंजन जी जरा आपके पास आते हुए, इतने सालों से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, अब जाकर उन लोगों की नींद टूट रही है और कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन डॉक्टर्स की जल्दी से जल्दी भर्ती की जाए, मेडिकल स्टाफ को रखा जाए, सर इतने दिनों तक क्या कर रही थी आपकी सरकार बिहार में? देखिए, हालात पहले से काफी सुधरे थे, लेकिन जिस तरह से कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई, निश्चित तौर पर स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतरी आज पहली प्राथमिकता बनकर के आई, और हम लोगों ने ऑक्सीजन को लेकर के सेंटर से 300 मेट्रिक टन की मांग की थी, 194 मेट्रिक टन हम लोगों को मिला है, बाजाप्ता एक प्रपोजल भी राज्य सरकार ने दिया है सेंटर को प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन ऑक्सीजन प्लांट के लिए, PSA के लिए, और हमारी कोशिश लगातार है, कई मेडिकल कॉलेजेज में ऑक्सीजन बनाने के प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, और ये कमोबेश देश के हर राज्य की परिस्थिति है, आकलन में जरूर कहीं ना कहीं चूक हुई है, जिस समय यूरोप में दूसरी बार का दस्तक लोगों ने महसूस किया उस समय इसका पूर्वानुमान किया जाना चाहिए था, और सेंटर हो या स्टेट हो, मैं ये मानता हूं कि ये एक बड़ी नाकामयाबी है, हम स्थितियों को समझ नहीं पाए हैं उसके अनुरूप, अगर हमारी तैयारियां रही होती किसकी तो नाकामयाबी है, नाम लेकर बताइए किसकी नाकामयाबी है राजीव? तो मैंने तो कहा ये पूरे तंत्र की नाकामयाबी है, इसमें मीडिया की नाकामयाबी है, इंस्टीट्यूशंस की नाकामयाबी है, सेंटर की नाकामयाबी है, राज्यों की नाकामयाबी है, अगर यूरोप में इंग्लैंड और दुनिया के अन्य मुल्क ये दूसरी दस्तक जिस समय आपने महसूस की, इसके पूर्वानुमान पर हमें काम करना चाहिए था, लेकिन मीडिया नाकामयाब है, इस वजह से कोरोना बढ़ रहा है, मतलब लोग हंसेंगे आपके इस बात पर। सुप्रिया जल्दी से, सुप्रिया की अब जल्दी से बात हो जाए, सुप्रिया जल्दी से बोलिए क्लोजिंग कॉमेंट। आपको हंसी आ रही है, मुझे दुख हो रहा है, और दुख इस बात का हो रहा है कि ये आकलन की चूक कह के मीडिया और इंस्टीट्यूशंस को ब्लेम कर रहे हैं। आकलन की चूक में अगर कोई ब्लेम होना चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार पे होना चाहिए, और इसलिए होना चाहिए क्योंकि केंद्र सरकार को स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ने एक्सपर्ट कमेटी में अप्रैल और नवंबर में बोला ऑक्सीजन की कमी होने वाली है, पर्याप्त मात्रा करिए। इनका टास्क फोर्स फरवरी और मार्च इस साल मिला ही नहीं, और सबसे बड़ी बात इन्होंने सीरो सर्वे को इग्नोर किया जिसने बताया था। चुप रहिए सर, आप बीच में मत बोलिए, आप लोगों ने 13 करोड़ बन रहे शहरों पर सियासत